हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी संडे। संडे के दिन हमने सोचा, मेरी बेटी ने और मैंने, कि हम लोग संडे को एक जब भी हमें पॉसिबिलिटी हो, जब भी हमें समय मिले, तो हमें थोड़ा सा वर्कआउट मेडिटेशन करना चाहिए। और क्या नाम है, इससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और हमारी जो निगेटिविटी होती है लाइफ में या हमारे माइंड में, वो रिप्लेस हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम पहले जो हमारे दिमाग में हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं, वो हमारे माइंड में आती हैं बार बार और हमें टेंशन हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हमें जो है अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि हमारी जो निगेटिविटी है, जो हमारे नकारात्मक चीज़ें हमारी ज़िंदगी में या हमारी नकारात्मक सोच है, वो रिप्लेस हो, दूर हो और पॉजिटिविटी आए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा योग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो हम मेंटली जो होते हैं फ्रेश होते हैं, हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है और लाइफ में जो है एक पॉजिटिविटी आती है और हम हेल्दी रहते हैं मेंटली भी और फिजिकली भी। थैंक यू सो मच। अभी हम स्टार्ट करते हैं मानसी, स्टार्ट नाउ। हम अनुलोम विलोम करेंगे। सभी बच्चे भी, छोटे बच्चे जो होते हैं 6-5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, वो भी योग कर सकते हैं और हल्की फुल्की जो है एक्सरसाइज डेली अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन होता है और हेल्दी भी रहते हैं। स्टार्ट नाउ। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम जो होता है हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी जो सांस की दिक्कतें होती है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए अच्छा होता है और हमारे लिए पॉजिटिविटी भी आती है। बैठो बैठो बैठो। हमें एक नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी होती है। फिर हमें उस जो सांस हमने अंदर ली होती है, उसको दूसरे नॉस्ट्रिल से जो हमने बंद किया था, उसके बाद उसको रिलीज कर रहा होता है वहाँ से। ये होता है जो कि स्पॉन्डिलाइसिस के लिए हम कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइसिस जैसे हमारे कंधे में दर्द होना, हमारी गर्दन में दर्द होना, जब हम कोई काम बहुत देर झुक के करते हैं तो कई महिलाएं और पुरुष कहते हैं कि हमारे गर्दन में दर्द हो जाता है और हमारे जो है चक्कर जैसे भी आते हैं सिर झुकाने में, तो वो स्पॉन्डिलाइसिस की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की दिक्कत आपको हो सकती है। तो उसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उसके दवाइयों के साथ साथ अगर आप इसको करेंगे तो आपकी जो लाइफ में जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो स्पॉन्डिलाइसिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करना है, रिलीज, फिर नेक्स्ट साइड से एंड रिलीज। आपकी गर्दन इधर उधर नहीं हिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें प्रेशर डालना है, एक इधर साइड प्रेशर डालेंगे फिर उसको रिलीज कर देंगे, फिर इधर से प्रेशर डालेंगे रिलीज करेंगे, फिर आप फ्रंट साइड से बैकवर्डली जो है प्रेशर डालेंगे, फिर उसको रिलीज करके फिर बैक साइड से आगे की तरफ ऐसे डालेंगे प्रेशर और उसको फिर आप रिलीज कर देंगे। इस टाइप से ये एक्सरसाइज हो गई फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है बहुत धीरे धीरे और आराम आराम से करनी होती है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आपके सिर में दर्द होना, चक्कर आना, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप बहुत रिलैक्स होके और आसानी से इस चीज़ को करेंगे, बहुत फटाफट फटाफट आपकी गर्दन को नहीं हिलाना है, जिससे कि आपके दर्द में कोई बढ़ोतरी ना हो और आपको चक्कर वक्कर आने की ऐसी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर फिर अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ओम का उच्चारण जो होता है सबसे बेस्ट होता है। हनुमानसी करो क्या? ओम का उच्चारण जो होता है वो हमारे मानसिक रूप से हमें संतुलित रखता है और हमारे अंदर की जो निगेटिविटी होती है उसको ख़त्म करता है। तो हमें आंखें बंद करके थोड़ी देर इन एक्सरसाइज को करने के बाद ओम का उच्चारण करना चाहिए। वहाँ से स्टार्ट नाउ। ओम
नहीं रही ओम का उच्चारण जो है हमारे मानसिक स्ट्रेस को कम करता है। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का है या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अगर किसी को होती है तो ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। इससे जो है हमारे दिमाग में जो निगेटिव चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें ख़त्म होती हैं और हमारे माइंड का स्ट्रेस कम होता है और हम मेंटली जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। इस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं हमारे थाइज़ में जो है बहुत ज़्यादा फैट हो गया है तो हमें इसके लिए क्या एक्सरसाइज। तो इसके लिए आपको एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है जिसके लिए आपको ऐसे ऐसे ये एक्सरसाइज जो होती है वो आपके थाइस के फैट को कम करती है और ये जो होती है यूट्राइन जो मसल्स होती हैं उनको भी रिलैक्स करती है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पीसीओडी के लिए भी बहुत अच्छी है। जो पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हम जिसे कहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसे हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं जो कि मानसी बहुत अच्छे से करिए। लेट्स सी करो। तो इसे हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज जो होता है हमारे फैट जो हमारे थाइस के आसपास जो फैट होता है उसको डिक्रीज करता है। दूसरी बात जो है हमारी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है उसके लिए भी बेनिफिटेबल है और यूट्राइन मसल्स को भी रिलैक्स करता है। तो कई महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर वो चाहें तो इसको रिलैक्स होके हल्के हल्के पैरों को ऊपर नीचे करके इसको कर सकती हैं। तो इससे जो है ट्राइन मसल्स जो है रिलैक्स होंगी और इसमें डिलीवरी में जो होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन नहीं होती है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये महिलाओं के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज शोल्डर। कई लोगों के जैसे कोई पेनफुल कंडीशन होती है फ्रोजन शोल्डर अगर किसी को है मतलब मुड्ढे जाम हो जाना। फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर जो है महिलाओं को जो 30 के पार जा चुकी हैं 40 के आसपास है उनको ये दिक्कत होती है। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट मानी जाती है। इससे जो होता है एक तो मूवमेंट हल्के हल्के आप करेंगे तो उससे जो है जो ब्लॉकेज हुए होते हैं जॉइंट्स में वो खुल जाते हैं और उससे जो है पेन भी रिलीज होता है और आपके हाथ चलने की कंडीशन जो है मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर फ्रोजन शोल्डर में आप मूवमेंट करना बंद कर देंगे तो मुड्ढे जो आपके कंधे हैं वो बिल्कुल जाम हो जाएंगे और महिलाओं को कई बार चोटी बनाने तक की बहुत दिक्कत हो जाती है और इतनी पेनफुल कंडीशन होती है कि कई औरतें आती हैं वो कहती हैं कि हमें रोना आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रोजन शोल्डर में एक एक्सरसाइज और है कि आप अगर आसपास आपकी दीवार है उसमें हाथ रख के धीरे 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 जहाँ तक आप आगे पहुँचा सकते हैं वहाँ तक करें।